As we have studied about tissue and their types in last video, so let's discuss with epithelial tissue. Epithelial tissue, जिसका अगर सामान्य मीनिंग देखे तो एपिथेलियम होता है और इसका प्लूरल जो है वो एपिथेलिया होता है. एपिथेलियम से हम लोग क्या समझते हैं, तो एपिथेलियम एंड एपिथेलियम इज ए सीट ऑफ सेल. हम लोग जानते हैं कि टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल है, सेल्स का ग्रुप ही टिश्यू होता है. तो एपिथेलियम इज ए सीट ऑफ सेल दैट कवर्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस. तो एपिथेलियम क्या करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस को कवर करता है. वो हम लोग समझ सकते हैं इस स्ट्रक्चर से. हमारा बॉडी जो है वो क्या है, हॉलो लाइक स्ट्रक्चर है, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है. तो ये अगर इसका सिलेंडर है, ये एक हॉलो स्ट्रक्चर है और ये बीच में क्या है, ऑर्गन है, ये हम लोग कंसीडर करते हैं. तो बाहर का जो कवरिंग हुआ और इसके अंदर का कवरिंग और ये ऑर्गन के बाहर का कवरिंग और ऑर्गन के अंदर का कवरिंग, ऑल आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो बाहर के कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म. उसके अंदर के कवरिंग को क्या बोलेंगे, ये और ये वाले को मेजोडर्म, और अंदर वाले कवरिंग को बोलेंगे एंडोडर्म. ये ऑल आर थ्री जर्म लेयर. तो एपिथेलियल टिश्यू वैसा टिश्यू है जिसमें वो तीनों जर्म लेयर से कवर होता है. अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग डिटेल में, जिसका जनरल स्ट्रक्चर होता है. जैसे एपिथेलियल टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल है, इस तरह का ये सेल है. ये सेल किस पे बेस्ड है, तो ये सेल इस एक लाइन पे बेस्ड है जिसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं. ये सारा ग्रुप है एपिथेलियम का और ये इस पे बेस्ड है किस पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, जिसमें ऊपर वाले लाइनिंग को क्या बोला जाता है, बेसल लैमिना, और उसके नीचे वाले लाइनिंग को रेटिकुलर लैमिना, और इन दोनों को ही बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं. और इसके नीचे हम लोग देख रहे हैं क्या है, कनेक्टिव टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू जो है वैसा टिश्यू है जिसमें क्या होगा, आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो भी सेल है इसके, पहले ये देखिए ये सेल है और ये एक सेल है, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस. इंटरसेलुलर स्पेस. तो जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होता है एक दूसरे में, जैसा आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. तो यहाँ नो इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट. और क्या है, जो ये एपिथेलियल टिश्यू है ये होगा, ये कनेक्टिव, मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली जो है ब्लड वेसल नहीं आएगा. तो अब ब्लड का सप्लाई कैसे होगा, तो ब्लड की सप्लाई के लिए ये दूसरे टिश्यू से कनेक्ट होता है. वो टिश्यू कौन है, कनेक्टिव टिश्यू, जो यहाँ से इसका ब्लड वेसल यहाँ तक जा रहा है और फिर ये डिफ्यूज होकर फिर एपिथेलियल के पार्ट में जाता है. तो इसे हम एवास्कुलर भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है, मतलब डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है, ये बाय द वे ऑफ डिफ्यूजन यहाँ ब्लड सप्लाई होता है. तो इन दोनों स्ट्रक्चर से क्या कंक्लूजन निकला, ये निकला कि एपिथेलियल आर सपोर्टेड बाय नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन वो नॉन सेलुलर होता है, वहां पे कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता है, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. और क्या हम लोगों ने देखा अभी, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. वहां पे लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. और क्या है, और हम लोगों ने देखा कि इसका ओरिजिन जो है तीन जर्म लेयर से होगा, कौन कौन, एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म. और यहां पे क्या है, एवैस्कुलर ब्लड सप्लाई नहीं है,
तो आपका ये थर्ड पॉइंट भी हो गया क्लियर। और जब ये टाइटली पैक्ड है, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर है, एपिथेलियल सेल्स है वो आपस में ऐसे टाइटली पैक्ड है, तो ये जो टाइटली पैक्ड है तो एक जंक्शन से ये क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक जंक्शन से ये कनेक्टेड है, तो इस जंक्शन का जो है ये स्ट्रक्चर है जिसमें कौन कौन से जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम, गैप जंक्शन एंड हेमी डेस्मी डेस्मोसोम। अब सारे जंक्शन का अलग अलग काम है, क्या काम है, तो टाइट जंक्शन का काम है कि ये लीकेज को प्रिवेंट करता है, फिर डेस्मोसोम का क्या काम है, ये एनकरेज करता है, और गैप जंक्शन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, दो सेल्स के बीच का कम्युनिकेशन जो होता है ये गैप जंक्शन के थ्रू होता है। फिर लास्ट है आपका हेमी डेस्मोसोम, ये डेस्मोसोम के जैसा ही स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ पे हेमी डेस्मोसोम है क्योंकि यहाँ नीचे जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होगा, तो यहाँ नीचे इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच करने का काम करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड पैक टुगेदर एंड कनेक्टेड बाय जंक्शन दैट आर टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम, गैप जंक्शन एंड सेमी डेस्मोसोम, सेमी या हेमी डेस्मोसोम। अब ये हो गया सारा आपका एपिथेलियल का कुछ फीचर्स, एंड नेक्स्ट क्या है, एपिथेलियल का जो वर्ड है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, ये फ्रेडरिक लुईस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। एपिथेलियल का एक कॉमन एग्जांपल है वो सब लोग जानते हैं, वो कौन सा एग्जांपल है, हमारा स्किन, तो जहां भी हमारा स्किन है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है, या तो ऊपर से जो स्किन हुआ, इसके अंदर का स्किन हुआ, या हॉलो जो स्ट्रक्चर है जैसे इसोफेगस, स्टोमक, सारे का जो आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग है वो किस चीज का बना हुआ है, मतलब सारे ऑर्गन्स का, वो एपिथेलियल टिश्यू का ही बना हुआ है। तो एपिथेलियल टिश्यू का वर्क क्या क्या है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एक्सचेंज, एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन, ये सारे फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू का। और इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं, प्रोटेक्शन, एपिथेलियल टिश्यू का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो प्रोटेक्ट करने का वर्क है, वो कैसे हमारी स्किन को वियर एंड टियर से बचाता है, सारे जो भी केमिकल्स है उससे हमारी स्किन को बचाता है, या सारी इंटरनल ऑर्गन्स को भी वो बचाता है, जैसे स्टमक, पैनक्रियाज, किडनी, लीवर, सारे ऑर्गन्स को वो कवर करता है एपिथेलियल टिश्यू से ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके। फिर आपका है सिक्रीशन, तो सिक्रीशन कैसे, वहां भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा, जैसे गॉबलेट सेल सिक्रीट करता है, फिर म्यूकस ग्लैंड सिक्रीट करता है, सारा जो भी सिक्रीटिंग ऑर्गन है वहां भी कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो कहाँ होता है, एल्वियोली ऑफ लंग्स में, लंग्स का जो एल्वियोली होता है वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहां भी ये प्रेजेंट होगा। एब्जॉर्प्शन, जहां पे सारी चीजें एब्जॉर्ब होंगी वहां भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा, जैसे पीसीटी, किडनी का जो एक पार्ट है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलुट ट्यूब्यूल, जहां पे क्या होता है सारे चीज रीएब्जॉर्ब होते हैं, तो वो भी वहां भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। फिल्ट्रेशन, वॉमन्स कैप्सूल जो है किडनी का एक भाग है जहां पे सारे चीज फिल्ट्रेट होते हैं, वहां भी आपको एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो आज हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू उसका डिफिनीशन, उसके एग्जांपल और उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, और आगे वाली वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए यही होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो जरूरी से लाइक और शेयर करें, और अगर आपने
आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।